सुबह उठते ही चारों तरफ खेत, ताज़ा हवा और चिड़ियाओं की आवाज़। कुछ इसी तरह दिन की शुरुआत होती है गाँव में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। आई होप आपको ये उत्तराखंड सीरीज पसंद आ रही होगी। बस ऐसे ही बने रहिएगा ताकि आप उत्तराखंड की खूबसूरती को ज़रा सा भी मिस ना करें। हमारा ये तीसरा दिन था मामा के घर पे और ठंड की वजह से हालत ख़राब थी, लेकिन हम तो हैं ही घुमक्कड़, तो घर पे कैसे बैठ सकते हैं। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी जगह जो आप सोच भी नहीं सकते कि इस गांव के आसपास ही होगी। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है? ये देखो पानी हम कहाँ गर्म कर रहे हैं। ऐसा होता है गांव में, चूल्हा लकड़ियाँ रखी है और ये आप देख सकते हो अंदर से कैसा होता है ये। बस अभी पानी गर्म करते हैं और आज का प्लान है डैम घूमने का। तो बाजपुर में यहाँ जिस गांव में भी हम लोग हैं वहाँ पे आगे एक डैम है, तो उस डैम को देखने हम लोग जा रहे हैं। तो नहा के फिर उधर ही चलते हैं सीधा। अभी तो मामा लोगों ने ये पक्का घर बना दिया है, लेकिन पहले इसमें रहते थे। अभी भी ये है लेकिन इसे एज अ बैकअप यूज़ करते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर कैसा दिखता है ये। तो अभी तो यहाँ पे सब स्टोर रूम टाइप का बनाया हुआ है, सामान रखा हुआ है यहाँ पे। जब हम गांव आते थे यहाँ पे बेड लगा होता था, तो इधर ही हम सब रहते थे। और ऊपर आप देखो लकड़ी का पूरा छत है, गाँव में कुछ ऐसा ही होता है। और इस तरफ नाना नानी जी की फ़ोटो, और इस तरफ हमारा किचन हुआ करता था, अभी भी है वैसे। इधर भी कभी कभी खाना बन जाता है। और यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे भी छत आप अगर देखो तो पूरी लकड़ी की छत है। तो ऐसे ही होते हैं गांव में घर, अभी भी काफ़ी जगहों में ऐसे ही हैं। दिखाता हूँ कि छत के ऊपर क्या है, चलो देखते हैं क्या चीज़ है। छत के ऊपर कुछ ऐसा बनाया होता है, तो ये जो लगे हैं इनको खपरेल बोलते हैं, तो ऐसा कुछ ऊपर से है। तो हम रेडी हैं डैम जाने के लिए। हमें आज घुमाएगा शुभम, क्योंकि वो यहाँ पे रहता है तो उसे पता है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है और डैम कैसा है क्या है। और अक्षु, सिल्की, तो हम चार लोग जा रहे हैं, देखते हैं कैसा होने वाला है सफ़र। आप सभी को दिखाता हूँ, तो चलिए। चलिए भीड़ है आज, संडे है। तो अभी दिखाते हैं आपको सीन यहाँ का कैसा होता है। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, तो लेट्स सी। लाइटिंग अच्छी आई तो फोटोशूट चालू है अपना। तो ये है शुभम। हाँ, तो शुभम अभी हमारी फ़ोटो खींचेगा अच्छी खासी। अभी अक्षु का फ़ोटो शूट हो रहा है पीछे, और फिर हम लोग करेंगे फ़ोटो शूट। मैं आपको दिखाता हूँ आसपास का सीन, काफ़ी अच्छा है।
आगे देखते हैं कि कैसा है सीन। अच्छा लग रहा है, फोटोशूट के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, आपको लोकेशन में टैग कर दूंगा। चलिए देखते हैं क्या है आगे। जो आपने देखा वो यहाँ पे एक गेस्ट हाउस है, तो इस डैम के पास अगर आप रुकना चाहते हो तो यहाँ पे आपको गेस्ट हाउस भी मिलेंगे। अभी कोविड की वजह से शायद वो बंद हो, लेकिन अगर कभी आप इस तरफ आते हो तो आपको वो सुविधा मिल जाती है। मैंने अब चश्मा चेंज कर लिया है और अच्छा लग रहा है डैम में। धुंध बढ़ रही है अभी, अगर आपको दिख रहा होगा तो धुंध बढ़ने से पहले हम निकलेंगे। सही है, टाइम पर पहुँच गए थे, अभी 4:30 हो रहे हैं। रुकते हैं और आधा घंटा या 40 मिनट उसके बाद हम निकल जाएंगे। थोड़ा मेरे पीछे पीछे आ रहा है, हमें फ़ोटोशूट करते करते यहाँ पे आधा टाइम हो चुका है आके। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बोटिंग वगैरह भी है यहाँ पे। अपने इस लेंस में जो वाइड एंगल आता है वो देख के काफ़ी मज़ा आता है। तो 5 बजने के करीब है, हमने डैम थोड़ा घूम ही लिया है। वैसे तो ज़्यादा लंबा है नहीं कि हम बीच में हैं डैम के, और ठंडी भी थोड़ी बढ़ रही है, कोहरा भी चारों तरफ छाने लगा है। तो जल्दी से जल्दी हम जितना भी बचा हुआ है वो वाला सीन देखते हैं क्या है। और हाँ, मैंने कुछ आज कलरफुल टी शर्ट पहनी है, तो उसको आप इग्नोर करना। अच्छा लगा तो लाइक करना वीडियो को। हमारे साथ शुभम है आज, जो कि हमारे फोटोग्राफर, एक्चुअली वो हमारा भाई है। एंड वी हैव सिल्की विद अस, शी इज़ माई सिस्टर। सो ऐसे ही कुछ सीन है। और अगर आप इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हो, और बोटिंग के चार्जेस जाके पता करते हैं हम लोग क्या है। ये देखो बोट पीछे, क्या जबरदस्त कलर भी काफी अच्छा है, लाल लाल। अरे चलो चलते हैं घर, अब हो गया फोटोशूट। इन लोग नहीं मानने वाले, और मुझे ठंड लग रही है तो मैं अब जैकेट पहन लेता हूँ। ये है बोटिंग का सारा सीन इधर पे। यहाँ पे बोटिंग के चार्जेस तो पता नहीं कितने चार्जेस हैं, 200 से लेके 500 के आसपास ही रहेंगे, क्योंकि अलग अलग टाइप्स की बोट है यहाँ पे। तो अगर आपको जकूजी टाइप सिंगल चाहिए तो एक सिंगल भी है वहाँ पे, और वो वाली सबसे अच्छी लग रही है। तो हमने फ़ोटोशूट कर लिया, घूम लिया डैम, बस अभी निकलने का ही प्लान है यहाँ से। ठंड भी बढ़ रही है, कोहरा भी बढ़ रहा है, तो चलते हैं। और इस व्लॉग को भी हम यहीं पे एंड करते हैं, और उसे एंड करने से पहले आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी जो हमारे भाई बंधु बताएंगे क्या करना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।